आबरा सुमेंद्र एकेडमी में एक फिजियोथेरेपी का कैंप किया था हम लोग विनीत कुमार सर के साथ, और जो कि हम लोग का सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है और मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट है सर। तो सर हम लोग का साथ आया है, और ये मैम हम लोग का इनवाइटी, आज स्पेशल इनवाइटी मैम हम लोग का साई से आया था मैम। और ये सर आपका नाम कुंजल आया है ना। आज हम लोग का टॉपिक था फिजियोथेरेपी कैंप फॉर कॉम्बैट एथलीट्स बोल के। हम लोग का अभी ये हम लोग का एकेडमी से हो भी और बाहर से भी बहुत हम लोग का अच्छा अभी कॉम्बैट एथलीट्स निकल रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत इंजरीज भी हो रहे हैं उसके लिए ना। तो इसलिए सर भी हम लोग को बोला था कि एक बार आके देखेगा सबका साथ कैसे होता है बोल के। तो आज का कैंप अभी हम लोग का ख़त्म हुआ है, आपको सर और मैम अच्छा से बता देगा क्या क्या हुआ था बोल के ना। मैं विनीत कुमार, एक्चुअली मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो एक्चुअली मुझे बहुत काफ़ी खुशी है कि अरुणाचल में अब काफ़ी अरुणाचल से काफ़ी अच्छे अच्छे कॉम्बैट फाइटर्स हमारे स्टेट के लिए काफ़ी नाम कमा रहे हैं। तो मेरे सेंटर्स में मैंने देखा है काफ़ी कॉम्बैट फाइटर्स इंजर्ड होके आते हैं, इनका इंजरी प्रिवेंशन पे और इंजरी रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट अभी तक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसी खास से यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो सर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि सर एक बार कैंप करिए। तो आज का जो कैंप था स्पेशली फॉर द कॉम्बैट फाइटर्स रिगार्डिंग इंजुरीज, इनका क्या कॉमन इंजुरीज है और उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे स्टेट में और हमारे सब डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी बात पे आज काफ़ी हमारा कैंप हुआ। अराउंड 30 से 40 कॉम्बैट फाइटर्स थे जो कि उनका असेसमेंट के दौरान पता चला कि ऑलरेडी 80% इंजर्ड है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऑलरेडी दे आर साइकोलॉजिकली काफ़ी फिट है हमारे, लेकिन उनको यदि ट्रीट किया जाए प्रॉपरली और उनका फिजिकली एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाए तो हमारे स्टेट के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फाइटर्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टाइम मैं और ट्राई करूँगा कि अपने तरह से ऐसा कैंप और ऑर्गेनाइज हो जिससे कि इनको इंजुरीज पे ज़्यादा और उनका ट्रीटमेंट के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज गेन किया जाए और उनके ट्रेनिंग्स को भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Droma, physio from NCO Itanagar. और today I've come to this academy where जहाँ पे combat athletes है बहुत सारे, और आज I got this opportunity because of Vinit sir. I thank Vinit sir a lot कि because coming here I got to know, मतलब one-on-one screening हुआ है athletes का, और I have seen female athletes as well as male athletes, और इन athletes को देख के ऐसा लगता है कि one day physiotherapy camp is not enough. द टाइप ऑफ इंजरी दैट दे हैव, तो उनको बहुत सारा मतलब सपोर्ट नहीं मिला है, बट आई थिंक दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम द फिजियोथेरेपिस्ट टू, बिकॉज कोई भी एक एथलीट्स को बॉडी फिट रहकर एक परफॉर्मेंस अच्छा देना होता है, बट द इंजरी पुल्स देम बैक, इंजरी के वजह से वो लोग नहीं कर पाते, दे कैन नॉट गिव द परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दोज इंजरीज। कुछ रेस्ट पीरियड चाहिए होता है, रिकवरी पीरियड चाहिए होता है। तो टुडे कमिंग हियर बहुत सारे केसेस देखा मैंने, लोअर बैक केसेस जहाँ पे डिस्क इशू केसेस है, हैमस्ट्रिंग मसल्स केसेस है, हमने किसी को यहीं पे ड्राई नीडलिंग भी किया है, हैंड्स ऑन दिया है, सर ने भी करवाया है। सो लुकिंग एट दिस आई थिंक फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कॉम्बैट एथलीट्स में, बिकॉज इट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग जिसपे इंटेंशनली इंजरीज हो जाता है, बिकॉज नॉट अनइंटेंशनली, इंटेंशनली देना ही पड़ता है एथलीट्स को। सो looking at that, everyone requires a proper recovery so that jo tissue hai, muscles hai, bones hai, jo damage ho gaya usko wapas function pe lekar aana, aur jab wo function pe aayega tab unka muscle performance bhi increase hoga. So saying that, I would say in this state we have such academies which is not only focusing on the fitness but is also focusing on the what you call proper development of the sport in the state. So I thank the academy owner and the coach as well as Vinit sir and for calling me here today and allowing me to carry on with my services. Thank you.